अस्सलाम वालेकुम, अरफा कुकिंग कॉर्नर में खुश आमदीद। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि कम से कम वक्त में ड्राई सोयां आप कैसे बना सकते हैं और इसमें खोए के बगैर खोए का टेस्ट कैसे ला सकते हैं। आइए आज की ये आसान और चुटकियों में बनने वाली रेसिपी शुरू करें। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। सेवइयों का आपने एक पैकेट ले लेना है, किसी भी ब्रांड की आप ले लें, और दो खाने के चम्मच जो है वो घी इस्तेमाल होगा, और 1 कप जो है शुगर, और ड्राई फ्रूट ड्राई नट्स जो है उसमें से आप काजू पिस्ता बादाम जो भी आप लोग लाइक करें या सबको आप मिक्स कर लें, घी को मेल्ट करेंगे। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप लोग बटर में भी बन जाती है, आप लोग देसी घी में भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी के स्मेल की वजह से बच्चे नहीं खाते, इसलिए मुझे डालडा में बनानी पड़ती है। ये घी को हम मेल्ट होने देंगे। घी जो है हमारा मेल्ट हो गया। इसमें अगर आप लोग चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं इस्तेमाल करती। दो खाने के चम्मच जो है वो ड्राई मिल्क जाएगा, 1 कप फ्रेश मिल्क जाएगा, और 1 कप चीनी, और ड्राई नट्स जो है। इस सेवइयों को हम गोल्डन होने तक जो है इनको भूनेंगे इसमें घी में। जैसे ये गोल्डन हो जाएंगे फिर हम इसमें दूध ऐड करेंगे और चीनी भी साथ ही ऐड कर देंगे, नहीं तो चीनी की बहुत सारी जो है ना वो पीसेस बन जाते हैं मोटे, और फिर वो अच्छे तरीके से मेल्ट नहीं हो पाती घी में, उनकी कैंडीज बन जाती हैं। अब ये ब्राउन हो गई हैं, अब हम इसको आंच स्लो करेंगे। अभी हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे। एक कप दूध डालने के बाद साथ ही हम इसमें 1 कप चीनी डाल देंगे। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें दूध थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं, ताकि अच्छे तरीके से आपकी सेवइयां जो हैं वो रच जाएं। और 2 मिनट हम दूध में पकाने के बाद इसमें ड्राई मिल्क ऐड कर देंगे, वो बिल्कुल आपको खोए का फ्लेवर देगा, बिल्कुल खोया डाले बगैर आपको खोए का टेस्ट आएगा, खोए जैसी सेवइयां लगेंगी आपको। ये देखिए अब ये चीनी जो है वो हमारी मेल्ट हो गई है, अब इसमें हम ड्राई दूध डाल के इसको अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स कर लें और पका लें, बिल्कुल खोए का फ्लेवर और खोए का टेस्ट ही आएगा आपको। इसको आपने मीडियम आंच पे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए 2 मिनट्स में और जो है वो ड्राई दूध भी मिक्स हो गया है और अच्छे तरीके से चीनी भी मेल्ट हो गई है और अच्छे तरीके से ये पक गया। अब ये हमारा जो है दूध रेडी है, सेवइयां हमारी। अभी इनको हम एक आप बाउल में डिश में जिसमें भी निकालना चाहें आप इसको सर्व करने के लिए हमारी रेडी है। ये हमारी सेवइयां बिल्कुल रेडी हैं। अब हम चूल्हे की आँच को बंद कर देंगे और इनको निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। जी अब हम इसके ऊपर ड्राई नट्स जो है उनको डालेंगे, और ये गरम गरम सेवइयां आप शाम को चाय के साथ भी इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं और खाने के बाद स्वीट डिश के तौर पे भी
किसी मेहमान के आने पे आप फटाफट खाने के बाद इसको सर्व कर सकते हैं।